आज इसी बहाने से आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मधु जी के बारे में जितने भी तारीफ करे कम हैं। मुझे याद है मैं छोटी सी थी, उनकी पहली पिक्चर मैंने बसंत देखी, उनकी दूसरी पिक्चर मैंने नीलकमल देखी और उस वक्त मुझे लगा उफ, ये लड़की क्या खूबसूरत है, बाप रे बाप, और खूबसूरती के साथ उनका मासूम चेहरा। मैं सोचती रही कि क्या मैं इनको कभी मिल सकती हूँ। और इत्तेफाक से एक दिन हम दोनों श्री साउंड स्टूडियो में एक एक मेकअप रूम में बैठे हुए थे और जैसे मैंने उनको देखा मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में मधुबाला जी को मिल रही हूँ। स्क्रीन पे तो वे इतनी खूबसूरत लग रही हैं मगर प्राइवेट में कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत। उस रोज़ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती रही। बचपन से मैं उनकी काफ़ी बड़ी फैन रह चुकी हूँ और मधु जी तो जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे फूल झड़ रहे हैं उनके मुंह से। इतनी सिंप्लिसिटी, उनको ज़रा भी गुमान नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की हूँ। और हमारी इंडस्ट्री उनको वीनस कहकर बुलाया करती थी। अब जिस पिक्चर में मैं काम कर रही थी और वो भी काम कर रही थी, उनका नाम था केदार शर्मा। वो काम कर रही थी नेकी बदी में और मैं ठेस में मैं काम कर रही थी। उसके बाद कई बार मुलाकात हुई और मधु जी के ख़ास बात ये थी कि जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही वो अपने काम में पंक्चुअल थी। एग्जैक्ट 9 बजे वो सेट पे आया करती थी और एग्जैक्ट 6 बजे वो सेट से निकल जाती थी। वो अपना शॉट भी पूरा नहीं करती, 6 बजे निकल जाती थी। एक वाक्या मैं आपको सुनाऊं कि उन दिनों में बारिश बहुत ज़ोरों से जा रही थी और बारिश के दिनों में हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे। हमने सोचा कि भाई स्टूडियो तो सारे बंद ही होने हैं, मगर मधु जी एग्जैक्ट 9 o'clock वो सेट पे थी, 6 बजे तक बैठी रहीं और उसके बाद चली गई, मगर हम लोगों में से कोई सेट पे नहीं गया। इतनी वो पंक्चुअल थी। और जो भी पंक्चुअलिटी है थोड़ी बहुत मैंने मधु जी से सीखी और उसके बाद शांताराम जी भी, शांताराम जब मैं उनके साथ राजकमल के पिक्चरों में मैं काम कर रही थी। आज उनकी याद में ये टिकट इशू कर रहे हैं जिसमें हम मधु जी का चेहरा देखेंगे।